हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। या इसमें हम इन सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पिछली वीडियो में पढ़े थे, हमने पढ़ा था जब राइट साइड पे एक्सपोनेंशियल हो, फिर हमने पढ़ा था अगर राइट साइड पे ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, फिर अब अगर ये दोनों इकट्ठे हों, दोनों ही हों राइट साइड पे, फिर ये एक थ्योरम में एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम, इसकी मदद से फिर ये हम सोल्व करेंगे। तो आए हम इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। पहले तो कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन निकालने का सेम ही वे होगा जो हम निकालते हैं। फिर रेगुलर इक्वेशन या करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट होगा ये मीन्स ए, ये बी, ये सी होगा। अब माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू एक्ल टू डी। हम डी यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डी फंक्शन है ना, हम इसलिए यहाँ पे डी रखते हैं। यहाँ पे से एक्स भी रखते हैं जब यहाँ पे एक्स वाली इक्वेशन होती है, तो हम इसका वैल्यू रखेंगे। ये माइनस इंटू माइनस बी मीन्स यहाँ पे टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपान टू ए। सो टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट फोर माइनस सिक्सटीन अपान यहाँ पे टू। सो यहाँ पे टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट यहाँ पे माइनस ट्वेल्व आ जाएगा। सो माइनस आता है तो हम आइटा लगा देते हैं। सो यहाँ पे ट्वेल्व आइटा डिवाइडेड बाय टू, और हम यहाँ पे टू अगर यहाँ से कॉमन निकालें तो वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री आइटा अपन टू। मीन्स यहाँ पे अगर 12 के 4 इंटू थ्री रूट्स निकाले तो यहाँ पे 4 बाहर निकल जाएगा, वो हम दोनों तरफ से काम निकालेंगे। ये टू टू कैंसिल। सो यहाँ पे डी आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आइटा। मीन्स ये अल्फ़ा ये बीटा कॉम्प्लेक्स रूट है, तो हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स रूट हो तो वाई सी बराबर ई पावर अल्फ़ा एक्स। तो अल्फ़ा यहाँ पे 1 है, 1 इंटू एक्स, खाली एक्स लिख देंगे। सी वन कास बीटा एक्स यहाँ पे बीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री ए प्लस सी टू साइन स्क्वायर रूट थ्री एक्स। यहाँ पे हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वाई पी। वो सेम ही वे वाई पी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं एफ ऑफ डी ई एक्स, यहाँ पे जो भी होगा मीन्स फंक्शन एफ ऑफ ए रख देते हैं, ई एक्स रख देते हैं, जो भी मीन्स यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड एक्सपोनेंशियल साथ है। मीन्स यहाँ पे वन अपन डी, डी की जगह क्या रखेंगे, जो हमारा फंक्शन यहाँ पे गिवन था डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर यहाँ पे ऊपर क्या आएगा जो फंक्शन है ई पावर एक्स कास ई पावर एक्स कास एक्स। सो
इसमें जो होता है एक्सपोनेंशियल शिफ्ट मेथड, इसमें सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जो इसका कांस्टेंट हो वे यहाँ पे जो वन हो टू हो जो भी हो, हम वो डी की जगह पुट करेंगे। मीन्स यहाँ पे वन है तो हम डी प्लस वन पुट कर करेंगे। फॉर सपोज यहाँ पे ई पावर टू एक्स होता तो यहाँ पे हम डी प्लस टू पुट करते, इस तरह से इस जगह पुट करेंगे। और दूसरा वे सॉल्व करने का सेम ही होगा, यहाँ पे ई पावर एक्स और यहाँ पे जो कास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, हमने पढ़ा था जो थ्योरम था ई पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हम इसकी जगह वो रखेंगे जो हम ये थ्योरम पढ़ा था। तो अभी यहाँ पे ई पावर आयोटा एक्स अपन यहाँ पे अभी डी की जगह क्या रखेंगे, डी प्लस वन यहाँ पे स्क्वायर या माइनस टू डी प्लस वन प्लस फोर। सो यहाँ पे ये ई एक्स तो मीन्स अभी ये इसको बाहर निकाल देंगे इसको, ये तो अलग है। अभी ई पावर आयोटा एक्स तो अगर हम इसे सॉल्व करें ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से, डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन और ये इससे मल्टीप्लाई करके माइनस टू डी माइनस टू प्लस फोर, तो ये ई पावर एक्स ई पावर आयोटा एक्स अपन ये टू डी कैंसल, यहाँ पे डी स्क्वायर और यहाँ पे ये प्लस के फाइव माइनस टू मीन्स प्लस थ्री। अब क्या करना है इसका, हम जो सेम पैटर्न है ये जो आयोटा होगा डी की जगह पुट करेंगे, यहाँ 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 से ये ई पावर एक्स आयोटा एक्स अपन यहाँ पे अभी आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डी की जगह आयोटा पुट करेंगे, मीन्स आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन के इक्वल, ये माइनस वन प्लस थ्री। और अब यहाँ पे क्या रखना है, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, इसका हमने मैंने प्रोसेस बताया था पिछली वीडियोस में। अगर फंक्शन में कास होता है, कास होता है तो हम इसकी रियल वैल्यूज रखते हैं। अब हम वो रखेंगे यहाँ पे ए एक्स, यहाँ पर इसकी जगह जो हमने पढ़ा है कि कास एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स अपान यहाँ पे टू आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हम जो सॉल्यूशन में होगा वाई पी में रखेंगे यहाँ पे रियल पार्ट, बिकॉज स्टार्टिंग में क्या था कि वीडियो में रियल पार्ट दिया गया था उसमें वैल्यू में, तो हम इसीलिए यहाँ पे कास रखेंगे। तो ई एक्स कास एक्स बाय टू, इसके लिए आप पिछली हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से उम्मीद है। अब जो हम टोटल सॉल्यूशन निकालते हैं या जनरल सॉल्यूशन वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, सो वाई इक्वल टू अब हमें जो वाई सी निकाला था यहाँ पे, तो वाई सी जो हमें निकाला था ई पावर एक्स सी वन कास स्क्वायर थ्री एक्स प्लस सी टू साइन स्क्वायर थ्री एक्स और प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो क्या है, ई पावर एक्स कास एक्स अपन टू, ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।